अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो। हरियाणा का सबसे बड़ा अगर कोई धंधा है, सबसे बड़ा कोई उद्योग है, तो वो है जमीन के दलाल। चाहे वो जमीन का अधिग्रहण हो, चाहे उसका CLU हो, चाहे वो SEZ का मामला हो, चाहे कॉलोनी काटनी हो, इन सब चीज़ों में राजनेता मिलके दलाली कर रहे हैं तरह तरह के तरीकों से। कुल मिला के खेल ये है कि जमीन को किसान से हथिया लिया जाए और उसको शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बिल्डर, इनके हाथ दे दिया जाए। अक्सर लगता है कि ये सरकार आम आदमी की नहीं है, सरकार जनता की नहीं है, ये बिल्डर की सरकार है। बिल्डर चला रहे हैं इस सरकार को, बिल्डरों के लिए चल रही है ये सरकार। हरियाणा में इतने दलाल छोड़ रखे हैं, बिल्डर सभी पे पैसा लिया है, इतने बिल्डर आ रहे हैं सारा दो नंबर काम कर रहे हैं। ये जमीन इतनी महंगी जमीन है जो साथ में बिल्डरों ने खरीद रखी, आपने दिखाई दे रहा है, ये खाली जो जमीन पड़ी सारी रिलायंस की SEZ की जमीन है। 5 गाँव की जमीन है जो SEZ में HSID रिक्वायर करके जो रिलायंस को दे दी गई थी। जिस टाइम कब्जा लिया तो हुड्डा साहब ने स्पेशल घोड़ा पुलिस, वैसी पुलिस, गाड़ियाँ इतनी कई हजार कितनी, सारा हरियाणा की पुलिस इन्होंने यहाँ भेज दी। यहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब इतनी फोर्स थी कि कभी देखी नहीं हमने जिंदगी में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बॉर्डर पर नहीं पावा थी इतनी पुलिस। गांव के अंदर ऐसा कर दिया था, मंदिर के आदमी भयभीत हो गया था, भयभीत हो गया पूरा। हमारे तो गांव के रोड जाम कर दिया था जी, कोई आ नहीं सकता, जा तो सकता है पर लेकिन अंदर नहीं आ सकता। और कब्जा लेने वक्त पूरा रात को हमारी इसी गाँव की लेडीज को जेल खुलवा के अंदर डलवाया। वो दिखाया भी नहीं किसी ने, पत्रकार थे वे अपने इनके हो गए, सब इनके हो गए, किसानों की कौन सुन रहा था। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हमारा 500 गांव का यही निर्णय है, ये लोकसभा का जो हमारी मदद करेगा हम उसका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी ने खुल के घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण होगा तो लोगों की सहमति से। लोगों को पता होना चाहिए क्यों उनकी भूमि ली जा रही है, किस काम के अंदर जाएगी। और जो भूमि अधिग्रहण पुराने कानून के तहत हुआ था लेकिन जो पूरा नहीं हुआ है, उस सब को बंद किया जाएगा, नए कानून के तहत लाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर मुआवजा मिल सके। जब जमीन हमारे लिए भाव 12.5 लाख के हिसाब से पैसे दिए और इन्होंने रिलायंस को अंबानी को महंगे भाव बेची है, कमाने का तो कोई धंधा रहा नहीं, 12.5 लाख रुपए में क्या आता है जी। विकास तो जब देखो, जब उस जमीन पे कोई विकास होया हो, इसमें ना तो हमारा कोई बच्चा लग रहा है ना और कुछ लग रहा है। तो विकास तो हो ही रहा है ना, इसको तो बर्बाद करने में इसने कसर नहीं छोड़ी। विकास यहाँ पुराने गुड़गांव में नहीं ना, इस साइड में विकास है तो जाके परली साइड में DLF साइड में है, इधर कोई विकास नहीं है। और 8 साल तक जो जमीन ले रखी उसमें एक भी कुछ नहीं लगाया इन्होंने। ये जो रिलायंस के SEZ वाला मामला है, ये तो खुल्लम खुल्ला किसानों की जमीन लूटने का मामला है। जमीन ली जाती है SEZ के नाम पे, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और फिर चुपचाप से SEZ खत्म और अब मेगा सिटी शुरू, और किसान की जमीन उठा के उसको पकड़ा दी। भाई क्या हक है सरकार को ऐसा करने का? किसान को फैसला करना चाहिए कि वो SEZ में ज़मीन देना चाहता है या कि मेगा सिटी में देना चाहता है, और अगर मेगा सिटी में नहीं देना चाहता तो उसकी ज़मीन किसान को वापस मिलनी चाहिए, नहीं तो ये तो लूट। मानेसर में जाके हमारा किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया था। केजरीवाल खुद आए थे हाँ। और हमारा मुद्दा भी उठाया था उन्होंने कही भी थी ये आपके साथ जाती हो, जो बात उन्होंने कहनी है साफ कह देते हैं वो, ना अंबानी चढ़ रहे ना किसी ने डरे। अगर आम आदमी पार्टी के पास अधिकार आता है, सत्ता आती है, निर्णय लेने की शक्ति आती है, तो आम आदमी पार्टी कहेगी कि ये जमीन किसान को वापस मिलनी चाहिए। किसान फैसला करे कि वो अपने पास रहना चाहता है, काश्त करना चाहता है, SEZ में देना चाहता है या कि मेगा सिटी में देना चाहता है। सरकार कौन होती है फैसला करने? अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो।